दोस्तों एक बाप और एक बेटे की कहानी लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। एक बाप अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सके। जज साहब ने पूछा कि आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है। बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च चाहता हूं। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है, आपके बेटे को हर महीने खर्च देना ही चाहिए। बाप ने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हर महीने अपने बेटे से खर्च चाहिए, वो चाहे कम ही क्यों ना हो। जज साहब ने आश्चर्यचकित होकर बाप से कहा, आप इतने मालदार हैं तो आपको अपने बेटे से पैसे की क्या आवश्यकता है। बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा, या आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीना खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वो कम क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, उनको पैसे की भला क्या जरूरत है। जज साहब ने कहा, ये आपके पिता की मांग है और वो अपने में स्वतंत्र हैं। पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वो मुझे हर महीने 100 रुपये देगा और वो भी अपने हाथों से, उस पैसे में बिल्कुल भी देरी ना करेगा। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम हर महीने 100 रुपये बिना देरी के उनके हाथ में देंगे, ये आपको अदालत हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने बेटे के खिलाफ ये केस क्यों किया, आप तो बहुत अमीर आदमी है और इतनी छोटी सी कीमत। बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था, वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, एक जमाना गुजर गया उससे मिला नहीं और ना ही बात हुई, ना आमने सामने ना फोन पर, मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है इसलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि हर महीने मैं उससे मिल सकूं और मैं उसको देखकर खुश हो लिया करूं। ये बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नजरअंदाज और ख्याल ना रखने के जुर्म में सजा कर देता था। बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सजा कराते तो मेरे लिए दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से मेरे बेटे को कोई सजा मिले या कोई तकलीफ हो। दोस्तों मां बाप को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उनको आपके समय की जरूरत है। वक्त के रहते उनसे रोज बातें कर लिया करें, आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु आपको अपने मां बाप का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, दुआएं जरूर मिलेंगी, वरना एक दिन याद करके पछताओगे और उनको याद करके अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही तैयारी कीजिए कि आप हर रोज 5 मिनट अपने मां बाप से बात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे।